स्पीकर सर, थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक ऑन द प्रेजिडेंट्स एड्रेस. इट्स अ ऑनर फॉर मी टू बी एबल टू स्पीक एट दिस हाउस टूडे. जैसे आप सबको मालूम है, पिछले चार महीनों में हम भारत छोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम पैदल चले. तीन हजार छह सौ किलोमीटर तकरीबन. और इस यात्रा पे बहुत कुछ सीखने को मिला. इस यात्रा में बहुत कुछ सीखने को मिला. और जो जनता की आवाज, हिंदुस्तान की आवाज है, उसको गहराई से सुनने का मौका मिला. शुरुआत में, यात्रा की शुरुआत में मैंने सोचा था कि 3500 किलोमीटर चलने हैं और मुश्किल है मगर किया जा सकता है. आप भी राजनेता हो, हम भी राजनेता हो हैं. हाँ, सेवक कह लीजिए. और नॉर्मली आजकल की राजनीति में जो हमारी पुराना ट्रेडिशन था पैदल चलने का, वो आजकल हम सब लोग, हम भी आप भी, उस ट्रेडिशन को शायद भूल गए या उसका हम पालन नहीं करते. मैं भी उसमें शामिल था, आप भी उसमें शामिल हैं. हम सब, कोई गाड़ी में जाता है, कोई हवाई जहाज में जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में जाता है, मगर पैदल कम चलते हैं. ठीक है, ठीक है. और जब पैदल चला जाता है, हां पैदल जाएंगे, सब जगह पैदल जाएंगे, घबराइए मत. तो जब पैदल चला जाता है, मैं एक किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूं, दस की नहीं कर रहा हूं, पच्चीस की नहीं कर रहा हूं, मैं दो तीन चार सौ किलोमीटर की बात कर रहा हूं. जब दो तीन चार सौ किलोमीटर चला जाता है तो शरीर पर दबाव पड़ता है, दर्द होता है, मुश्किल आती है. शुरुआत में चलते वक्त लोगों की आवाज सुन रहे थे हम, मगर हमारे दिल में यह भी था कि हम भी अपनी बात रखें. कोई हमारे पास आता था, कहता था कि मैं बेरोजगार हूं, और हमें लगता था कि नहीं, हमें कहना चाहिए कि तुम बेरोजगार क्यों हो, कारण क्या है. उसमें हम विपक्ष का रोल भी प्ले कर लेते थे, आपकी भी बुराई कर देते थे. नहीं, वो तो है, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे. मगर थोड़ी देर चलने के बाद एक बदलाव आया, और जो हमारी आवाज थी, जो ये डिजायर था बोलने का कि भैया बेरोजगारी इसलिए इसलिए है, महंगाई इसलिए है, वो बिल्कुल बंद हो गई.
क्योंकि हमने इतने लोगों से बात की, मतलब हजारों लोगों से बात की, बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, कि थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल आवाज बंद हो गई। और फिर हम गहराई से, और मैं खुल के कह सकता हूं, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस प्रकार से कभी पहले सुना ही नहीं था, क्योंकि हम सब में थोड़ा सा अहंकार होता है कि हम ही बता दें, अपनी बात रख दें। तो आस्ते 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 जब हम चले 500-600 किलोमीटर बाद, जनता की आवाज गहराई से सुनाई देने लगी, और एक एक प्रकार से यात्रा, इंडिविजुअल्स नहीं, यात्रा हमसे बोलने लगी। नहीं, गहरी बात है, समझ नहीं आएगा, आप समझने की कोशिश करो। यात्रा हमसे बोलने लगी, 200 किलोमीटर आप चलने की कोशिश करिए, पता चल जाएगा। और तो यात्रा हमसे, यात्रा बोलने लगी। कोई आता था कहता था, युवक आता था कहता था मैं बेरोजगार हूं। हम सवाल पूछते थे, क्या पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग की, अब क्या करते हो। कोई कहता था मैं बेरोजगार हूं, कोई कहता था मैं उबर चलाता हूं, कोई कहता था मैं मजदूरी करता हूं। किसान आए हजारों, प्रधानमंत्री बीमा योजना की बात की कि हम पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, पैसा गायब हो जाता है। किसानों ने यह भी कहा कि हमारी जमीन छीन ली जाती है, हमें सही रेट नहीं मिलता, जमीन अधिकरण बिल जो था वो लागू नहीं होता। आदिवासियों ने कहा, वनवासियों ने नहीं, आदिवासियों ने, कि जो ट्राइबल बिल में हमें दिया जाता था वो आज छीना जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिली, मगर मेन थ्रस्ट अगर मैं कहूं, मेन थ्रस्ट बेरोजगारी, महंगाई और किसान। उसमें एमएसपी थी, उसमें बीज की समस्या थी, किसानों, किसान बिल की समस्या थी। अच्छा, अग्निवीर की भी बात की लोगों ने। आपने अभी बोला कि अग्निवीर देश को फायदा पहुंचाएगा, मगर हिंदुस्तान का युवा जो 4 बजे दौड़ता है, आर्मी में भर्ती होने के लिए दौड़ता है, वो आपकी बात से सहमत नहीं है। उनने हमसे कहा कि पहले हमें 15 साल की सर्विस मिलती थी, पेंशन मिलती थी, अब 4 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी। सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि हमें तो लगता है कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं, बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी।
तो उनके मन में था कि ये जो अग्निवीर योजना जो है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई है। और मुझे नाम भी बताया कि अजीत डोभाल जी ने ये योजना आर्मी पे थोपी है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, पार्लियामेंट में थोड़ी है वो। क्यों नहीं ले सकते? क्या बात कर रहे हैं? ये तर्क है, बाद में अडानी के लिए भी यही बोलने वाले हैं, फिर ये तर्क है इनका। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने फिर प्रेसिडेंट्स एड्रेस पढ़ा, देश के सब युवा अग्निवीर 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 बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये आर्मी के ऊपर थोपा गया है, हमें नहीं चाहिए। आर्मी के लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा, आर्मी को लगता है कि होम मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर थोपा है, आरएसएस ने ये उनके ऊपर थोपा है। तो ये आवाजें आ रही हैं। अब मैंने आपका बढ़िए, तो एक फर्क, ये थोड़ा पानी ले आओ, मैंने पानी। तो मुझे एक फर्क दिखा। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में बहुत सारी चीजें बोली गई, अग्निवीर के लिए एक लाइन थी, एक शब्द, एक बार अग्निवीर शब्द का प्रयोग किया गया, और वो भी अग्निवीर योजना हमने दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। कहां से आई, कौन लाया, किसको फायदा होगा, ये नहीं बोला। बेरोजगारी शब्द ही नहीं था उसमें, आपने देखा होगा, बेरोजगारी शब्द ही नहीं था प्रेसिडेंट एड्रेस में। महंगाई शब्द ही नहीं था। तो जो यात्रा में हमें सुनने को मिला, अग्निवीर, महंगाई, किसान, बेरोजगारी, प्रेसिडेंट एड्रेस में था ही नहीं। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा कि जनता कुछ कह रही है और प्रेसिडेंट एड्रेस में कुछ और सुनाई दे रहा है। अच्छा, एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है, ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, पहले ये एक दो बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ बैठे, हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।
पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है कैसे? ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं सर, देखिए आप पोस्ट, बैठिए एक मिनट बैठिए, आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे, पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है, आप बात करें पोस्टरबाजी नहीं, स्पीकर सर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, स्पीकर सर तो पोस्टरबाजी उचित नहीं है, स्पीकर सर पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज राजस्थान के मुख्यमंत्री, ये सच्चाई है, दिस पिक्चर वाज गिवन टू द मीडिया, चलिए पोस्टर नहीं प्लीज, वो लिख दे दो मुझे, जस्ट राइट इट नीटली, तो नहीं स्पीकर सर वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं, प्लीज प्लीज बताइए, तो वो आप बता देना, सो द रिलेशनशिप बिगिन्स मेनी इयर्स अगो व्हेन नरेंद्र मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, एंड व्हेन मोस्ट ऑफ इंडियाज बिजनेस वॉज asking questions of the Prime Minister, was against the Prime Minister, one man stood shoulder to shoulder with the Prime Minister. He didn't back down. That's commendable. It's not a joke. He was loyal to the Prime Minister. And what did he do? He helped Mr. Modi
construct the idea of resurgent Gujarat. Right? The idea that you bring these businessmen together, and you call it resurgent Gujarat, vibrant Gujarat, they're both. And he was the backbone in setting up that group of people. Okay? And the result of that was tremendous growth of his businesses in Gujarat. Expansion of his businesses. I think then the real magic starts. जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है. मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए. कैसे पहुंचे, मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं. एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं. कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया. नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स. नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं. आप बैठ जाइए. अडानी के डिफेंडर डिफेंस में आ गए सर. देखिए, अरे माननीय सदस्य, प्लीज मेरी बात सुनो. तो एक मिनट मेरी बात सुनो, ये एक मिनट बात सुनेंगे. ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है. हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करेंगे उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, मेरा मानना ये. तो अपन एक विषय पर ओके. तो आपको तो रूल था, नियम था. हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ. ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए. ओके, प्लीज प्लीज. ओके, बोलने दे आपको नेता को. तो बोलने दे आपको नेता. रूल था, प्लीज बोलने दे. रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था. इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला. किसी ने भी बनाया हो, रूल था. रूल बनाया किसने, बात नहीं है. रूल बदला किसने, बात है. रूल बदला गया. रूल बदला गया. रूल को बदला गया. सर बोलने दीजिए. करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए. चलिए चलिए, आप बदला गया सर. बिकॉज सर, बैठे सर,
तो ये रूल बदला गया उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी, रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद आफ्टर दैट इंडियाज मोस्ट स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट वॉज टेकन अवे by GVK hijacked by using the agencies. The agencies को CBI ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट में से निकलता है। अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए वित्त मंत्री, विधि मंत्री। ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुमको ज्ञान बांट रहे, बैठ जाओ। सर ये यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं, ये देश के राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर गंभीर चर्चा हो रहे हैं। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करे। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसे नहीं बोल सकते, और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे, आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे। और ये गंभीरता को समझिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं, बहुत ऑप्शंस है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शंस है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री को एचएल में देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गलत आरोप लगाया, मगर रियलिटी तो यह है कि एचएल का जो कॉन्ट्रैक्ट था 126 हवाई जहाजों का, वो अनिल अंबानी को चला गया और अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गया। वहां भी फैसिलिटेशन था। अब देखिए, और ये जो फ्यूचर एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेस स्कूल हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे स्कूल हैं, इनको इसका केस स्टडी, इसकी केस स्टडी बनानी चाहिए, शायद बने। हाउ टू यूज गवर्नमेंट पावर टू बिल्ड इंडिविजुअल बिजनेसेस, केस स्टडी। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं, ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रीफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएल ये काम करती है, हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है।
मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है। यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए, वैसे ही डिफेंस में करा। तो चार डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं, ये काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स जिसमें टावर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है, ये सब अदानी जी बनाते हैं। सीधा स्ट्रेट इसराइल में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां पे मतलब बीच में पैदल चलते हैं और फिर जादू से पीछे से इंडिया का फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एमआरओ मिल जाता है मेंटेनेंस के लिए, जहाजों के मेंटेनेंस के लिए। स्मॉल आर्म्स का बिजनेस मिल जाता है, इजरायली जो ड्रोन्स हैं उसका बिजनेस मिल जाता है। मतलब जो हिंदुस्तान और इजरायल का डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अदानी जी के हाथ में चला जाता है, खत्म का। हाँ, उसमें पेगासस भी है, तो पता नहीं वहां से क्या मतलब पेगासस कैसे आया, क्या हुआ, किसने दिया। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, एक कंपनी है अल्फा डिफेंस जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती है, एवियोनिक्स का काम करती है और बहुत स्ट्रेटेजिक कंपनी है, वो भी अदानी जी के हवाले कर दी गई, अदानी जी ने एक्वायर कर लिया। तो आपने देखा कि एयरपोर्ट्स का बिजनेस 30% मार्केट शेयर, हिंदुस्तान और इसराइल का जो वेपन्स का बिजनेस है 90% उठा के ले गए एक विजिट। ये है फॉरेन पॉलिसी। चलिए, अब मैंने आपको इसराइल की बात बताई, ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। कोयला, ऑस्ट्रेलिया चलिए। ऑस्ट्रेलिया में अदानी जी जाके आप भी तो डिबेट करना चाहते थे। आपने बोला था कोई भी विषय पे डिबेट हो तो हो गया। आप डिबेट, अब क्यों डर रहे हो डिबेट से? जेपीसी की मांग की, आपने बोला सदन को उठाओ, अब क्यों डर रहे हो? आप चर्चा से क्यों डर रहे हो? चर्चा से डर रहे हो आप? अब सुनना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। He's got yielding. ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। कैप नंबर बताएं। 369 सर, ये क्या 369 सर, ये कहता है सर, एक पेपर और डॉक्यूमेंट देखिए सर, मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीबी के उसको कब एयरपोर्ट का जो है संचालन का अधिकार था और कौन सा रूल है वो कोर्ट करे सर, किस रोल के आधार पर ये, इनको मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूँ कि जीएमआर और जीबी के को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी, जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था सर? ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एप्लीकेशन प्रधानमंत्री को ऊपर लगा रहे हैं, आप पेपर दीजिए,
और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। करना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, राहुल गांधी जी आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते हवा में, आप हवा में बोल रहे हो और प्रधानमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हो, आपको ऑथेंटिकेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसे ही बोल रहे हो कि जीएमआर का जीवे के सभी रूल, हाँ कहा था रूल, कोई रूल नहीं था आपको, यू हैव टू ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट करके ही रखना पड़ेगा आपको, पहले 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 रखिए और उसके बाद आगे बात करने देंगे, नहीं तो माफी मांगिए देश से। आप प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं, सर बोलने दीजिए, अनाप शनाप आरोप लगा रहे, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आरोप लगा रहे प्रधानमंत्री जी पे। रूल 353 सर, रूल 353 किया है सर, नो एलिगेशन ऑफ डिफेमेटरी और इनक्रिमिनेटरी नेचर शैल बी मेड अनलेस यू हैव गिवन नोटिस। छोड़िए, वो तो प्रधानमंत्री के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं बिना नोटिस दिए, बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। सर ये रिकॉर्ड पर नहीं जाना चाहिए सर, ये बिल्कुल रूल का उल्लंघन है। और क्या क्या बातें वो कह रहे हैं सर, मैं उसको रिपीट नहीं करना, रेकलेस एलिगेशन, बेसलेस एलिगेशन, इन वायलेशन ऑफ रूल्स, सर ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। सब बैठिए, ऑस्ट्रेलिया पीएम प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए, वरिष्ठ वकील साहब बैठिए, नियम जाते हैं। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट, नियम 369 भी मैंने देखा है, 323 भी देखा है। मेरा आग्रह है, सदन भारत की संसद है, हम एक विषय पर सारी राष्ट्रपति की चर्चा लगाए ये उचित है क्या? फिर आपको बोलना बोले नहीं, स्पीकर गलत तरीका है। राहुल गांधी जी आप बोल रहे हैं, गलत तरीका है। क्या देश को संदेश देना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? राहुल गांधी जी, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, आप बोलिए सर, स्पीकर सर, प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 billion लोन अदानी जी को मोदी जी आपका सरकार की सदी प्लीज। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है, 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं, June 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC फर्नांडो इन्फॉर्म्ड ए पार्लियामेंट्री कमेटी इन श्रीलंका इन ओपन हियरिंग दैट ही वॉज टोल्ड बाय प्रेसिडेंट राजापाक्सा दैट PM मोदी प्रेशर्ड हिम टू गिव द विंड पावर प्रोजेक्ट डायरेक्टली टू मिस्टर अदानी। मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी, ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है।
उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अब यात्रा में मुझसे दो तीन और सवाल पूछे गए। यात्रा में लोगों ने मुझसे पूछा, राहुल जी ये जो LIC कंपनी है इसका पैसा अदानी जी की मदद करने के लिए क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने यह भी पूछा कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है। तो मेरा कहना है कि अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अदानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए SBI, PNB 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। LIC का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ SBI एंड अदर PSU बैंक होल्डर्स मनी इज गोइंग टू मिस्टर अदानी एंड टू फाइनेंस। नाउ ऑफकोर्स देर इज अनदर क्वेश्चन, तो मदद कैसे हो रही है। हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी जी को दिया जा रहा है। अगर कोई सामने खड़ा हो जाता है, जैसे जीवी के लोग खड़े हुए, ED, CBI एजेंसीज आ जाती है, उनको परे कर देती हैं। तेलंगाना में भी एक पोर्ट का उदाहरण था, आंध्रा। मगर मेन सवाल और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल दूसरा है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है, ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं, और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है। और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं। अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अदानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अदानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, अदानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं, और जैसे मैंने कहा, अदानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए कि ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं। ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है, और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना, ये किसकी शेल कंपनीज है और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जेपीसी, वी वॉट जेपीसी। अच्छा, अब
अच्छा आप चलिए छोटा सा बजट के बारे में बता देता हूं। 2022 में अदानी जी अनाउंस करते हैं कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम, और इस बजट में बीजेपी की सरकार निर्मला सीतारमन जी कहती हैं हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ह्यूज इंसेंटिव्स देंगे, 19,700 करोड़ रुपए हम ग्रीन हाइड्रोजन के लिए देंगे, मतलब अदानी जी को देंगे। जुगलबंदी बजट में अदानी जी के लिए 50 नए एयरपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, हॉर्टिकल्चर, ग्रेन स्टोरेज, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो मेरे सिर्फ कल प्रधानमंत्री जी आज कल भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। अदानी जी के लिए बोरिस जॉनसन का बेटा काम करता है, आपको पता नहीं, मालूम है या नहीं मालूम? भाई काम करता है। तो ये मामला पहले गुजरात का मामला था, फिर ये हिंदुस्तान का मामला हुआ, अब ये इंटरनेशनल मामला हो गया है। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रेवल टुगेदर विद अदानी जी? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? हाउ मेनी टाइम्स डिड अदानी जी ट्रेवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? एंड इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड डिड अदानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? Questions are posed to Prime Minister, please. Sir, खत्म करने दीजिए सर। Concluding. Concluding. और बहुत बहुत सुंदर तरीके से सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, राहुल जी अभी आप सीनियर एमपी हो गए हैं, आप एक सीनियर एमपी हो चुके हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस सदन का सदस्य होने के नाते जो भी बातें आप करेंगे गंभीरता से आप बात करेंगे। बाहर आप जो भी भाषण देते हैं हम लोग उसको रोक नहीं सकते। इस सदन के अंदर में जो भी बात कही जाती है पूरा गंभीरता के साथ प्रमाण के साथ कह जाना चाहिए, ये परंपरा है। और राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश घूमने जाते हैं, तो मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमन कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की, अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। नाउ बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेरे भाषण को इनकैप्सुलेट किया मेरे लिए, बहुत अच्छी तरह आपने जो मैं सोच रहा था आपने उससे
और भी अच्छी तरीके से बोल दिया, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अडानी जी एंड नरेंद्र मोदी जी, थैंक यू। भारत जुड़ा हुआ है, चिंता मत करो। श्रीमती कनिमो जी, माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर सकता हूं, सदन आपका है, कोई अपनी यात्रा पर चर्चा करता है, कोई करता है, अच्छी हो राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करो आप तो ठीक लगेगा। ये एक बात पे चर्चा नहीं हुई है, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज पे, अलग अलग बिजनेसेस पे और इंटरनेशनल अफेयर्स पे डिस्कशन हुआ है।